हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से हम यूज करेंगे अपना फॉर्मेटिंग एक्सेल की। अब फॉर्मेटिंग में ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूंगा कि बोल्ड कैसे होता है, अंडरलाइन कैसे होता है, इटैलिक कैसे होता है, बोर्डर कैसे देते हैं, ये चीजें तो जनरली आप लोगों को आती है, राइट? हाँ जी सर। हम जो बात कर रहे हैं आपके साथ कर रहे हैं कुछ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की। अब एक ही बात कर रहे हैं, रीजन ये होता है कि आप जब भी कोई नई रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे कोई नई रिपोर्ट देखेंगे बनाते हैं, तो यही पे देखिए जो टेम्पलेट है, तो जो फॉर्मूला लगा है वो तो बात की चीज़ है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो मेन है ना, तो सबसे पहले तो हमें दिखती इसकी फॉर्मेटिंग है ना जी सर। सेम उसी तरह से कि मिठाई कितना भी टेस्टी हो, देखने में गंदा लगे तो हर कोई खाने से जाएगा जी सर। मिठाई का स्वाद कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी डेकोरेशन से लुकिंग अच्छी है तो हर कोई एक बार टेस्ट तो करेगा जी सर। सेम थिंग यहाँ पे होती है कि अगर आपने कोई अच्छी सी रिपोर्ट बनाई है तो उसको हर कोई देखता है। इसमें सर मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हाँ, वो आप बेसिकली आप मोबाइल से है ना, मोबाइल में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं होती है। हाँ। मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दे दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो चलिए हम यूज करते हैं, पहले छोटे मोटे फॉर्मेटिंग ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10th लिखता हूँ, तो जनरली आप देख पा रहे हैं कि 10th रह गया, लेकिन इसी चीज़ को वर्ड में करेंगे तो 10th हमारा ऊपर चला जाता है। एक्सेल में ऊपर जाएगा, आपको डबल क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना होगा वो पर्टिकुलर कैरेक्टर, देन सुपरस्क्रिप्ट। जी सर, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं मान लीजिए कि 10th लिखता हूँ, तो बस आपको डबल क्लिक करना है और सुपरस्क्रिप्ट कर देना है। आपका सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ओके, अब 10 डिग्री है तो 10 स्मॉल में ओ लिखिए, डबल क्लिक करके इसे स्मॉल को ओ को सेलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट, इस पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए आपको 10 डिग्री आ गया जी सर। ऐसे अगर H2O है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट पे सब स्क्रिप्ट नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली इसकी कोई ऑफिस में जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम विजुलाइजेशन तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, मुझे सारे नंबर्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री। पर प्रॉब्लम यह है कि कैसे करें। अगर मान लीजिए मैं सबके आगे जो है अगर हम वो लगा भी देते हैं मैनुअली या किसी और तरीके से, फिर भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब पूरे एक सेल को सेलेक्ट करके जब सुपर स्किप करते हैं ना, तो पूरा सेल ऊपर जाता है, लेकिन हमें एक करेक्टर को जाना है जिसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना होता है। यहीं पे प्रॉब्लम हो गई कि मैं एक एक सेल में जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, ओ को सिलेक्ट करूंगा, देन सुपरस्क्रिप्ट करूंगा। हाँ जी, ये तो छोटे मोटे चीजें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके पास विपिन जी और बहुत बड़ा होगा डेटा तब क्या करेंगे? हाँ जी सर। तो उस केस में मैं इसके बगल में स्मॉल ओ लिखूंगा। क्या लिखूंगा? स्मॉल ओ, और हम यहाँ सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सुपर स्क्रिप्ट में जाके इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर इस बारे कॉलम को छोटा करते, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा करते। चला ही छोटा हो गया और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ आते हैं बॉर्डर्स में। बॉर्डर्स हम ऊपर वाला बॉर्डर देते हैं, नीचे वाला देते हैं, साइड वाला देते हैं, यहाँ वाला देते हैं और ये बीच वाला बॉर्डर देते हैं। बीच वाला ये जो है इसको नहीं देंगे, ठीक है ना, एंड ओके कर देंगे। और बेटर दिखाने के लिए इसकी जो कलर है ना व्हाइट कर देते हैं।
अब मैं ऊपर हेडिंग पे ध्यान न दूं तो क्या लग रहा है, पूरा लग रहा है ना कि हाँ ये 36 डिग्री है और सर एक ही सेल में, क्या सर? जी सर लग रहा है सर। हमें लेआउट में जाके अगर मैं गियर लाइन हटा देता हूँ, लग रहा है ना जी? तो रिपोर्ट्स में अब जो फॉर्मेटिंग हमारे पास नहीं होती है ना, तो हम इसी तरह से उसका क्या बोलते हैं विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं छलावा करते हैं जी सर। ठीक है, अब चलिए जब इसे बॉर्डर की बात हो, जैसे मान लीजिए हम लोग इंटरनेट पे जाते हैं और इंटरनेट से कुछ चीज़ें कॉपी करते हैं, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप पे मुझे ऐसा बहुत चीज़ आई हुई है, चलिए हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। अब इतना बड़ा डेटा है तो अब जाहिर सी बात है एक सेल पे तो आएगा नहीं, तो हम कई सारे सेल्स लेकर करके क्या करते हैं, मर्ज करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मर्ज करने के बाद मैं इसमें पेस्ट करूंगा, अगर पेस्ट नहीं होगा ध्यान रखिएगा, मर्ज सेल में अगर कोई टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डबल क्लिक करके देन पेस्ट करना होगा। ठीक सर, है सर जी सर। अब दिख नहीं रहा है तो हमें यहाँ पे इसको रैप टेक्स्ट करना है और साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिखे, देखिए। और इसे मान लीजिए इसमें एक जो ये वैल्यूएशन करके जो आ रहा है ना, ये एक गलत है। अब आप जिसने फाइल आपको भेजा है ना, आप उसको वापस भेजना चाहते हो, बोलना चाहते हैं कि ये आपका वैल्यूएशन गलत है, तो डबल क्लिक कीजिए, वैल्यूएशन को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट में होता है स्ट्राइक थ्रू, क्या होता है स्ट्राइक थ्रू, जो बीचे बीचे यहाँ से ये आता है स्ट्राइक थ्रू, क्योंकि बीचे बीचे काट देता है, और बेटर दिखाने के लिए इसकी कलर टेक्स्ट कलर को रेड कर लीजिए, ये थोड़ा सा देखिए इस तरह से दिखेगा, वो हर कोई देखेगा कि नहीं वैल्यूएशन यहाँ पे कटा हुआ है गलत है, बताने की जरूरत नहीं है इसको, सब समझ जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है जी सर, बिल्कुल। अच्छा ये चीज़ हमने यहाँ पे की तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, अब इस नंबर्स को अगर मैं प्रिंट आउट में लेता हूँ तो क्या होगा, कोई चीज गलत होगा तो पेंसिल से ही काटूंगा ना जी सर, पर इसमें कैसे पेंसिल से काटूं, मान लीजिए मुझे पेंसिल से कटा हुआ प्रिंट आउट ही लेना है, राइट सर जी सर, क्योंकि इस पे अभी जो अभी मैंने बताया स्ट्राइक थ्रू वो इस पे इतना वर्क नहीं करेगा क्या जी। तो इसके लिए हम यहाँ पे बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे, हम फॉर्मेट सेल पे जाते हैं बॉर्डर पे और हम कलर चूज कर लेते हैं, मान लीजिए रेड का जी सर, और ये मोटा वाला लेते हैं, ये इसको सिलेक्ट लेते हैं और इसको लेते हैं, तो बॉर्डर कुछ इस तरह से कटा हुआ सामने दिखेगा। आपके पास F4 होता है जो कि लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, ठीक, तो आप देख सकते हैं क्रॉस हमने यहाँ पे कर लिया, लेकिन अगर सही का निशान देना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी हम बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है yeah। अरे यहाँ पे एक चीज आती है कि जो क्रॉस का चीज जो लगाई ना, ये जस्ट विजुअल है जी सर, ये ओरिजिनल नहीं है सर, ये जस्ट विजुअल है। तो अब विजुअल तो है, लेकिन अब इसमें एक चीज और आती है कि किस तरीके से हम कुछ ऐसा करें जो सेम फीचर्स हो और इसको हम वैल्यू ए कर सके, मतलब कि इसको इस पे फिल्टर वगैरह, इस पे फॉर्मूला वगैरह लगा सके, क्योंकि इस पे बॉर्डर पे तो फॉर्मूला फिल्टर नहीं लगेगा ना जी सर, तो उसमें हम कैप्स में P को रखेंगे, जी हाँ कैप्स में P या O, क्रॉस के लिए O और टिक के निशान के लिए P का इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं दिख रहा है ना, दिखेगा जब आप जाएंगे अपने फॉन्ट के ऊपर, फॉन्ट में कौन सा फॉन्ट लेंगे, बाइंडिंग टू, लास्ट में बेडिंग टू या बाइंडिंग टू होता है, रहा yes, क्लिक करते देख सकते हैं ना, तो एक्चुअली में है ओ और पी, बट विजुअल फॉन्ट इसकी लिखावट को चेंज करके कुछ इस तरह से कर दिया, फिल्टर अगर लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ओ और पी पे फिल्टर लगा देंगे,
या कोई फॉर्मा लगाना है तो हम इसी चीज़ पे लगा सकते हैं। ठीक सर। समझ गया? जी सर। अब एक क्वेश्चन आता है, ये जो फॉन्ट हमने अप्लाई किया जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये फॉन्ट फॉन्ट जो होता है किसी एक्सेल का पार्ट नहीं होता है। फॉन्ट इज पार्ट ऑफ द विंडोज, वो विंडोज का पार्ट होता है। और हो सकता है कि विंडो के किसी पर्टिकुलर वर्जन में ये चीज़ें ना दिखे, या क्रॉप हो गई होगी या अनइंस्टॉल हो गई होगी, तब क्या करें? तो एक और तरीका है, मैं यहाँ पे कैप्स में जे को रखूँगा और हमारे पास एक रोटेशन आती है, इस रोटेशन को हम 95 डिग्री माइनस में रोटेट कर देंगे, माइनस 95 डिग्री, और क्रॉस के लिए तो हमारे पास एक्स है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो रोटेशन है इसका यही इस्तेमाल होता है, कुछ और इस्तेमाल भी है? हाँ, कुछ और इस्तेमाल भी है। चलिए एक और आपको आइडिया देता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम लिया, मैं एक अटेंडेंस सीट बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक सर। और यहाँ पे मैं जुलाई का डेट ही ले लेता हूँ और हम इसको प्लस वर्ड करके आगे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जुलाई तक आ गया। ठीक है जी सर। और फिर भी इसमें इसका जो अटेंडेंस है वो हम दे देते हैं। बॉर्डर भी लगा देते हैं और पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं और किसी भी कॉलम की बॉर्डर पे जाके डबल क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटो फिट हो जाता है, मतलब जितना साइज चाहिए उतना यहाँ पे दिख गया। अब मुझे इसको प्रिंट निकालनी है, तो जाहिर सी बात है कि मैं फाइल के अंदर प्रिंट पे जाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि एक पेज पे प्रिंट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना सर? जी सर। तो चलिए मैं इसकी मार्जिन को नॉर्मल से नैरो कर देता हूँ, उसके बाद हम लैंड पोर्ट्रेट से इसको लैंडस्केप कर देते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे अगर मैं इसको फिट टू वन पेज कर देते हैं, वन पेज में हो तो ज़्यादा, लेकिन इतना छोटा है जो रीडेबल नहीं है। नहीं जैसे रीडेबल नहीं हो रहा ना? नहीं सर। अब कैसे होगा? तो जैसे मैं डेटा को देख पा रहा हूँ कि मेरे पास जो डेटा है उसका हेडिंग ही बड़ा। जी सर। लेकिन डेटा का छोटा है तो क्यों ना हेडिंग को लिया जाए और इसको रोटेशन यहां से भी कर सकते हैं, इसको 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर देते हैं। जी सर। ठीक है जी सर। अब हो गया सर? जी सर। अब इसको प्रिंट आउट दीजिए। आ गया सर? जी सर। आपको समझ में आया सर कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। चलिए
चीज़ें इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं अपने रिपोर्ट्स में यूज करने के लिए। बाकी हमने रैप टेक्स आपने देखा, जैसे मैं सुजीत कुमार लिखता हूँ, मैं अपना नाम नहीं लिखता हूँ तो आप देखते हैं कि बाहर चला जाता है, तो जनरली इसको रैप कर देता हूँ ताकि एक सेल में आ जाए। रैप करने से आपका रो बड़ा हो जाता है, ऑटो फिट करने से आपका कॉलम बड़ा हो जाता है। लेकिन रैप की बात होती है तो मैं अपने हिसाब से रैप चाहता हूँ, तो ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए टाइप करते समय, कर्सर ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें रैप नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हम ना कॉलम की साइज बड़ा करना चाहते हैं ना रो की साइज बड़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जैसे कि आप यही डेट देख लीजिए ना, तो हर महीने का डेट का फॉर्मेट अपना अलग अलग होगा ना। हाँ जी सर। तो इसको हम क्या करते हैं कि अलाइनमेंट पे स्ट्रिंग टू फिट होता है। जी हाँ, स्ट्रिंग टू फिट। स्ट्रिंग टू फिट करते ही क्या होता है कि वो स्ट्रिंग होके फिट हो जाता है आपके साइज में। कॉलम बड़ा होगा तो ये अपना बड़ा कर देगा, और कॉलम छोटा होगा तो छोटा हो जाएगा। ठीक। समझ गए? जी सर। विदाउट विदाउट नहीं सर, ये आपने कहाँ से ओपन किया था? फिट टू स्ट्रिंग, ये दोबारा करेंगे क्या चीज? स्ट्रिंग टू फिट जब भी आपने हाँ, ये कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? एक ये हमने लाए थे अलाइनमेंट में, किसी फॉर्मेट प्रिंटर पे जाइए करना, तो अलाइनमेंट के अंदर ये होता है स्ट्रिंग टू फिट। ठीक है जी सर। ठीक है ठीक है, दिख गया। ओके सर। उसके बाद छोटी मोटी है, जैसे कि आप मर्ज का, आपने मर्ज मैंने बताया तो मर्ज पूरा हो रहा है, लेकिन इसी में मर्ज एक क्रॉस करते हैं यहाँ पे, तो मर्ज एक क्रॉस भी कहा हुआ, सिर्फ रो मर्ज होगा बाकी मर्ज नहीं होगा। तो ये चीज़ें नहीं, इसमें आता है नंबर फॉर्मेटिंग, जो हमारा नंबर है उसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, हालांकि नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा बड़ा है, इसको अभी एक दो दिन लगेगा पढ़ने में टोटल, क्योंकि इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग है। फिर भी नंबर फॉर्मेटिंग में हम भरते हैं तो आप देखेंगे जनरल जैसा टाइप करेंगे उस तरह से आएगा नंबर। नंबर में आपका इसमें डेसिमल प्लेसेज और थाउजेंड सेपरेटर वगैरह ऐड कर सकते हो, नेगेटिव चूज कर सकते हो कि नेगेटिव कैसा आना चाहिए। करेंसी, करेंसी में आप सैम्बल, करेंसी के सैम्बल या करेंसी कोड जैसे कि INR, USD ऐसे करेंसी कोड सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अकाउंटिंग में आते हैं तो अकाउंटिंग में भी हम करेंसी कोड वगैरह ले सकते हैं, कि अकाउंटिंग का एक और यूज हम करते थे। क्या होता था कि हमारे डेटा के अंदर में कई सारे जगहों पे यहाँ पे 02 मान लीजिए 029 हमने ले लिया, तो हमारे डेटा में कई जगहों पे 0 हुआ करता था, तो 0 को हम चाहते थे थोड़ा सा अलग आइडेंटिफाई करें ताकि खोजना न पड़े, अपने आप दिख जाए। तो हम लोग क्या करते थे कि अकाउंटिंग में जाते थे, इसको नन कर देते थे, डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देते थे, तो डैश में कन्वर्ट हो जाता था। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये दिख रहा है डैश, बट ओरिजिनल जो है ना वो आपका जीरो ही है। जीरो ही है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी वैल्यू की जो आपका वैल्यू होता है उस वैल्यू की विजुअल को चेंज करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है। उस तरह से मैं डेट, अगर कुछ डेट डाला हुआ है, आज ही का डेट डाला हुआ है, तो इसको आप अपने फॉर्मेट में ले सकते हो डेट फॉर्मेट में। और डेट अलग अलग कंट्री का अलग अलग फॉर्मेट होता है, जैसे मान लो कोई फॉर्मेटिंग इसमें दिख रही है वो फॉर्मेटिंग आपके सिस्टम पे नहीं दिखेगा, इसका मतलब है कि यहाँ से कंट्री अलग अलग है, तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया है, इंग्लिश यूएसए भी सिलेक्ट करके आप दे सकते हो।
टाइम में भी सेम होता है कि आपका टाइम का फॉर्मेट, लेकिन टाइम में फॉर्मेट पे ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने 45 घंटे 20 मिनट और 30 सेकेंड का फॉर्मेट ले लिया, गलती से ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मेट। अब इसके ऊपर आप टाइम में जाइएगा और यहाँ पे टाइम यूज कीजिएगा बाकी, तो आप देखिएगा कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा रिपोर्ट देगा ही नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा का रिपोर्ट देगा ही नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो यहाँ इंग्लिश इंडिया हटा के इंग्लिश यूएसए को सिलेक्ट कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट तो सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे 30-30 ऑप्शन आ रहा है, हेलो हेलो, हाँ सॉरी सॉरी सर, तो यहाँ से 37-30-55 का फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे तो ये देखिए 45-20 ऑप्शंस आ गया, ठीक है। हेलो जी सर, विपिन जी समझ में आया? जी सर, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर, इसमें कोई क्लियर। तो फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेटिंग जो हमारा है तो इसमें फॉर्मेटिंग में आपका यही है टाइम में, बाकी तो आपका परसेंटेज का है, फ्रैक्शंस है, जी सर। ठीक है, फ्रैक्शंस में क्या होता है, जैसे मैंने 1/2 सेलेक्ट कर लिया ना, अब इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिएगा मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.25 या फिर 0.5 करूँगा, तो देखिए 1/2 का ऑप्शन आएगा। जी सर, ठीक है। तो बाकी जो हमारे इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग है, कस्टम फॉर्मेटिंग में आप जाते हैं तो कस्टम फॉर्मेटिंग में कोड्स होते हैं, कि एक कोड जो आपको दिख रहा होगा ये कोड्स होता है। जी सर, ठीक है। तो ये जो कोड है वो कोड के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में सर, क्योंकि तो थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है सर। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आपकी जो वीडियो थी ना वो देखी थी उससे थोड़ा सा। ठीक सर, ठीक है जी सर। तो इसकी जो है आप लोग बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में इससे आगे के ऑप्शंस के बारे में हम देखेंगे। ठीक सर, ओके सर। फ्रैक्शन का यूज कहाँ पे होता है, फ्रैक्शन का यूज? जी फ्रैक्शन, आप इससे क्वेश्चन से पहले आपने फ्रैक्शन बताया, इसका यूज क्या आपको होता है? देखिए इसका यूज होता है रिपोर्ट्स वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह बनाने में होता है। जैसे भी एक प्रॉब्लम ही भी दिया ना आपको, ये तो देखिए प्रिंट आउट का प्रॉब्लम था, ठीक है।
अब ये आपका जो है, ये जो टिक का निशान है, जो निशान होती है आपकी डैशबोर्ड वगैरह में होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी वन फंक्शन का यूज कर सकते हैं? हाँ मैं, बहुत से जगहों पे होता है, हम बात करेंगे इसके बारे में आगे चल के, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो अभी फॉर्मेट है, आप इसे इसमें देख लीजिए, बहुत सारे फॉर्मेट है जिसके बारे में आप इसका यूज देख सकते हैं। आप अगर टेम्पलेट को ही देख, न्यू पे जाके टेम्पलेट ही देख ले, इसे ही टेम्पलेट देख ले। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक विजुलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ना सर, देखिए टिक का निशान दिखा जी, कौन डू कौन नॉट डू इसे यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे जो डॉट लाइन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सर, चल रही हमें कॉपी में होती है ये चीज, बॉर्डर बॉर्डर से लाइन लेगी ये, दिख रहा है जी। उसके बाद ये देखिए छलावा क्रिएट किया गया कि आपको लग रहा है कि डायरी का पेज है, बट ये क्या किया ना, इस तरह का लेके इस तरह से रख दिया गया, समझे, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग चार करेंगे ना, बेसिकली ये फॉर्मेट कस्टमाइजेशन के लिए यूज हो रहा है। हाँ मतलब कि हर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ऑफिस में किसी भी तरह की रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना कि एक चीज समझाया तो उससे रेफरेंस में लेके बाकी चीजों पे डिस्कस करते हैं, सेम एक्सेल में भी होता है कि एक चीज में समझाया, जैसे देखिए आपके पास ये पुराना रिपोर्ट्स है, ठीक है, अब पुराने रिपोर्ट्स में देखिए उन्हें किस तरह से यहाँ टिक का निशान वगैरह का यूज किया हुआ है, बॉर्डर स्लाइड यूज की हुई है, दिख रहा होगा आपको, इसी तरह के यूज करते हैं। आगे भी इसके बारे में हम आपके डिस्कस करेंगे जब हम इसकी फॉर्मेटिंग को अच्छे ढंग से करेंगे, तो ठीक है, थैंक यू सर। तो फॉर्मेटिंग की हमारी पहली पार्ट थी, कल हम बात करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग की, और कल और बताऊंगा कि क्या दिक्कत होती है फॉर्मेटिंग सही ना होने से। ओके सर, ठीक है, Recording stopped.